आज की रेसिपी एक स्नैक्स रेसिपी है, ओवरली बनाना पूरी। तो यहाँ पर ये जो केले हैं बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, इसलिए हम इसे बना रहे हैं बनाना पूरी। बनाना को पील करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में हमें प्यूरी बनाना है। जब मैंने इसे पील किया तो देखा ये इतने भी पके नहीं थे अंदर से जितने ये बाहर से लग रहे थे, लेकिन बनाना पूरी का मैसेज बच्चों तक पहुंच गया था तो रेसिपी बनाना ज़रूरी था। इस तरह से प्यूरी बना लीजिए स्मूथ। इसे साइड में रख दीजिए। एक कप गेहूं का आटा, आधा कप सूजी, यहाँ पर मैंने एकदम बारीक वाली सूजी ली है, दो चुटकी इलायची पाउडर और आधा कप पीसी हुई चीनी। बनाना प्यूरी इसमें डाल देंगे और इसे हाथों से सिर्फ मिक्स कर लेंगे। अभी आपको गूंथना नहीं है, बस इसे हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और आटा गूंथते जाइए। एकदम से सारा दूध मत डालिएगा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, जो कि हमने इसमें पाउडर शुगर यूज़ की है तो इसके पतले होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ही आटा लगाइएगा। मैंने तुरंत लगा लिया है और तुरंत बेलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हम इसे छोड़ नहीं सकते। अगर हमने ये आटा ऐसे ही छोड़ दिया तो शुगर अपना पानी छोड़ेगी और आटा पतला हो जाएगा। इस तरह से बड़ी रोटी बेलकर मैंने ग्लास से छोटी छोटी पूरियाँ कट कर ली है। आप पूरियों की साइज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा छोटी बड़ी कर सकते हैं, जिस भी आकार की आपको चाहिए। और इन पूरियों को आप स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन तक के लिए। तो ये सारी पूरियां बनकर रेडी है। एक तरफ आप तेल गरम होने के लिए रख दीजिएगा और इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली। तो अब इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पर आपका मीडियम हॉट गरम होना चाहिए। ज़्यादा गरम तेल में अगर आप इसे डालेंगे तो ये तुरंत काली हो जाएंगी, तो मीडियम हॉट ऑयल में इसे डालिए और दोनों भी साइड से 2-2 मिनट तक आप इसे डीप फ्राई कर लीजिए। आपको इसे बीच में चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये अंदर से पूरी तरह पक जाएगी, पूरी फूलकर अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो इस तरह से हम सारे बैच रेडी कर लेंगे। मुझे यहाँ पर इसका पर्सनली थोड़ा सा ब्राउन कलर ही पसंद है, इसलिए मैं इसे इस तरह के कलर में फ्राई करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इसे थोड़ा सा लाइट कलर भी रख सकते हैं या डार्क भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ।